Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका इस चैनल पर। और आज की इस चैनल पर आज खास बात करेंगे पॉलिटेंस कॉम्बिनेशन, जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, और उस पर भी नेमसेट के 2009 के क्वेश्चंस को लेंगे, और वो भी ट्रेंड वाले सॉल्यूशंस के साथ नहीं, ऐसे सॉल्यूशंस और ऐसे शॉर्टकट्स जो आपने देखे भी नहीं होंगे और शायद आपको डिमांड है। तो आज लास्ट तक इस टॉपिक के जाएं और उन सारे शॉर्टकट्स को मैं आपको बारी बारी से बताता चलूंगा। बने रहिए लास्ट तक। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, एक ऐसा क्वेश्चन है 2009 का है। क्वेश्चंस पेपर आपके पास होंगे, मिलान कर सकते हैं, क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, आंसर्स आपको देना होगा, ट्राई जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट पास इन द एक्स वाई प्लेन आर देयर फ्रॉम पॉइंट है 1.3 टू 0.5.6 तक जाना है। इफ अ पाथ प्रोसीड वन स्टेप एट अ टाइम बाई गोइंग आइदर वन स्टेप टू द राइट आर को राइट से बोलेंगे और वन स्टेप अपवर्ड्स, कहने का मतलब है कि 0.1.3 प्लेन पर है, उससे आपको 5.6 तक जाना है और आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है कि राइट में बढ़ सकते हैं वन स्टेप या अपवर्ड जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि कितने पास होंगे, क्या 35 रूट होंगे, पाथ होंगे या 40 होंगे, 45 एंड ऑफ दीज, जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट्स से आप अपने आप को दिखाइए कि मैं कर सकता हूं। अगर नहीं कर पाते हैं तो बने रहिए लास्ट तक और हम लोग ट्रिक्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो इत्मीनान से पढ़ चुके हैं, आंसर नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, हम ध्यान देते हैं कि प्लेन था एक्स वाई और 0.1.3 था और 5.6 तक हमें 1 स्टेप बढ़ के वहां पहुंचना था, राइट में बढ़ना था और अब बढ़ना था। तो देखो कैसे करेंगे, यहां से एक से लेके 5 तक जाने के लिए हमें 4 स्टेप्स हमें राइट में बढ़ना पड़ेगा, आर मतलब राइट में, और 3 से लेके 6 तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेप्स क्या बढ़ने होंगे, अपवर्ड। ओके तो देखिए, अगर आप ध्यान दें, सिंपल है ये चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान दें कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है, अगर कहीं पे भी आप कहीं पर भी आप अगर यहाँ दे, हम लोग बना लेते हैं दोबारा, और ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर 1.3 यहाँ पर थे और हमें 5.6 पे यहाँ पर पहुँचना है, ठीक। तो देखिए अगर हम लोग राइट में एक ले लें स्टेप, ठीक है, फिर राइट में एक स्टेप और ले लें, फिर हम लोग अपवर्ड ले लें, अब हमारे राइट में 4 स्टेप थे और अपवर्ड में 3 स्टेप थे, तो राइट वाले हम 2 स्टेप ले चुके हैं, अपवर्ड वाला चाहे ले लें या फिर हम राइट में ले लें, फिर हमने अपवर्ड में ले लिया, फिर हमने राइट में ले लिया। तो देखिए राइट में 1, 2, 3 और 4 राइट में जाने पड़े, अपवर्ड में हमें 3 चाहिए थे, तो 3 ये है और 6 ये, तो कहीं ना कहीं मार्जिन हमने सही से सेट नहीं किया। मार्जिन इन द सेंस जैसे 1.3 था, तो अगर ध्यान से दें, एक राइट में लिया यहाँ पहुँचे, फिर एक और राइट में लिया 2-3 तक पहुँचे, फिर अपवर्ड ले लिया तो हम 4 पे पहुँच गए, फिर हम राइट में वाले सपोज ले लिया तो 3 हमारे राइट में जा चुके हैं, अब हम 4 लेवल पे हैं, फिर अपवर्ड ले लिया, फिर हम राइट में पहुँचे और फिर अपवर्ड ले लिए, तो अपवर्ड देखो मेरे 3 गए हैं और राइट में हमारे 4 गए हैं। तो आप किसी भी रूट में जाए, जैसे हम राइट में चले जाएँ 1, 2, 3 और 4, फिर अपवर्ड में 1, 2, 3, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। अगर हम अपवर्ड चले गए 1, 2, 3, फिर अब राइट में 4 जाना पड़ेगा। अगर हम राइट में चले गए फिर अपवर्ड गए, फिर अपवर्ड गए, तो हमने 2 अपवर्ड ले लिए हैं, अब हम एक राइट ले चुके हैं, फिर हम राइट में ले लें, फिर अपवर्ड चले जाएँ, फिर हमें राइट 2 लेने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है 7 में से हमने 4 राइट में लिए हैं और 3 में से 3 अपवर्ड लिए हैं, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ये 1 हो गया। अब 7C4 का मतलब है 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, ये गया इससे, ये गया इससे और 7 पना होगा 35, 35 आंसर होगा 35 ए ऑप्शंस। आप समझ गए होंगे कि उसको 7 स्टेप चलने थे, 7 में 4 स्टेप लेने थे राइट में, बाकी 3 में लेने थे अपवर्ड, तो 7 में से आप 4 ले लीजिए, निकाल लीजिए बचे हुए, तो अपवर्ड चलेगा ही, तो हो गए 35। तो आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसे आगे वाले क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल क्रिस्टल यानी पानी की तरह पॉलिटेंस कॉम्बिनेशन क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड पे लिए हुए क्वेश्चंस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेट थ्योरी और पॉलिटेंस कॉम्बिनेशन का ये कॉम्बिनेशन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, अ सेट कंटेंस 2n+1 एलिमेंट्स इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स व्हिच कंटेंस एट मोस्ट एन एलिमेंट्स इज
4096 मतलब 4096 है, n एलिमेंट्स एट मोस्ट कंटेन्स करे, तो वैल्यू ऑफ n क्या, वो n की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि 28, 21, 59, 6, तो इनमें से जो भी n की सुटेबल वैल्यू हो आप ट्राई करें और आंसर देने का प्रयास जरूर करें। नहीं दे पाएंगे तो हर बार की तरह आपको शॉर्टकट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आंसर नहीं निकाल पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है नहीं, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ देखें, अगर 3 एलिमेंट्स दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर 3, 8। ये इसलिए लिखा है कि आपको ये आता है, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करना आता है। एन एलिमेंट्स हो तो 2 की पावर n, निकालते कैसे, एन सी 0 से लेके एन सी n का सम करेंगे तो 2 की पावर n आएगा। कहने का मतलब 0 एलिमेंट्स का सबसेट, 1 एलिमेंट का सबसेट, 2 एलिमेंट का सबसेट, n एलिमेंट का सबसेट, इनका सबका सम जो होता है वही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, इसका भी मतलब अभी समझेंगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस पर, जो क्वेश्चंस बता रहा है कि हमें बताना है कि 2n+1 C0 से लेके 2n+1 C1 से लेके हमें 2n+1 CN तक ही जाना है। हमें 2n+1 CN तक क्यों जाना है कि एटमोस्ट n एलिमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा यानी लेस देन इक्वल टू n, वो सारे सबसेट्स जिनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम n एलिमेंट्स हो। ये दिया गया है 4096 मतलब 2 की पावर 12, तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू बतानी है। पता हमें क्या है, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n+1 C0 और 2n+1 C1 से लेके अगर 2n+1 CN भी बीच में लिख लें और 2n+1 CN+1 भी लिख लें, पर हमें पता है कि जाना है 2n+1 C2n+1, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर 2n+1। ये चीज़ हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इतनी चीज़ पता है। यहाँ पे ऑड के लिए हमने देखिए लिखी सीरीज है, अगर हम यहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें तो 5C3 इस पे मैच करेगा, 5C4 इस पे मैच करेगा, 5C5 इस पे मैच करेगा, मतलब इसका सम और इसका सम बराबर है। तो ऐसे ही देखिए कि 2n+1 C0 से लेके 2n+1 CN तक जाना है, तो 2n+1 C0 से लेके 2n+1 CN तक जाना है, ये आधा ये है और आधा वही ये है, क्योंकि ये इस पे मैच करेगा, ये इस पे मैच करेगा और ये इस पे मैच करेगा, तो इसका मतलब है आधा और आधा, इसका अगर दोगुना कर दे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 2 times अगर 2n+1 C0 से लेके 2n+1 CN बराबर लिख दें 2 की पावर 2n+1, ये जाएगा 2 इधर और एक पावर काटेगा तो 2 की पावर 2n हो जाएगा, यही 2 की पावर 2n है, ये बराबर हो 2 की पावर 12, तो 2n बराबर होगा 12, तो n बराबर होगा जो आ गया है आंसर n बराबर 6, तो यहाँ पर डी ऑप्शंस सही था। अगर आपने हर बात को समझा होगा तो हर बात हमने बताई होगी और सही से समझा होगा, आंसर 6 आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस के नेक्स्ट लेवल पे, तो 2009 के ही तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन पे 10 पॉइंट्स है, उनमें से उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर, तो बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, कितने ट्राइंगल हो गए, क्या वो 100, 120, 150 ऑफ दीज। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आंसर तो आप करिए फटाफट। तो चलिए, अगर आपने आंसर किया है तो थैंक यू। करते क्या है कि अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं या 5 पॉइंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या बनते हैं कि 3 पॉइंट्स को अगर आप एक साथ मिला दें तो ट्राइंगल बनता है, यानी कि n में से 3 ट्राइंगल बनाना है, तो NC3 का आप सिलेक्शन ग्रुप बनाते जाइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन गए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप सीख लें। तो यहाँ पर 10 ऐसे पॉइंट्स थे, तो 10 पॉइंट्स अगर रैंडमली लिए गए तो 10C3 टोटल ट्राइंगल बनने चाहिए थे, पर उन्होंने कहा कि 6 आर कोलिनियर का मतलब है कि वो इस तरीके से एक रेखा में है। अब इन 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट अगर लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेंगे, मगर ये पॉइंट किसी और पॉइंट से मिलेंगे, जैसे इनसे मिल गए तो ट्राइंगल बनेंगे। तो 10C3 ट्राइंगल बनने चाहिए थे, 6C3 ये जो आपस में ग्रुप बनेंगे वो ट्राइंगल नहीं बनेंगे। तो ये हो गया टोटल, तो ये 3 बार में पढ़ना है, 10 फिर 9 फिर 8 बटे 6, यहाँ पर 6, 5, 4 ये ट्रिक है, तो ये गया इससे और यहाँ पर ये गया 3, ये 2, ये 5, 15 टेक 120 में से 20 गया तो ये आया 100, तो 100 आंसर सही था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, तो पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर आपको डिमांड है, आपको कन्फ्यूज़न है, तो मावला क्लासेस की ये खास सीरीज़ जो हम अभी आपको दे रहे हैं
कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की जो सॉल्यूशंस हम आपको दे रहे हैं ये अलग अंदाज में और अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर जगह हमने कॉन्सेप्ट रखा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस किए, तो आप जाके प्लेलिस्ट में सॉल्यूशंस ऑफ निम सेट पेपर्स में इन सारी सीरीज को देखिए, तो प्रोबेबिलिटी के और प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मावला क्लासेस के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर शानदार काम किया गया है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी है, टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं, तो मावला क्लासेस की एक उम्दा टेस्ट सीरीज www.mawlaonlinetest.com पे आप जाके रजिस्ट्रेशन भर करना है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी जाए रजिस्टर करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। मावला क्लासेस की साइट्स है, वेबसाइट्स जहां पर नोटिफिकेशन एमसीए के हर एक बात को वहां पे अपडेट किया गया है, आप हर एक चीज से अपडेट रह सकते हैं। आप सर्च करिए, विजिट करिए मावला क्लासेस का, और सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि मावला क्लासेस का ऐप है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर स्नैपशॉट्स के थ्रू पोस्ट करिए, आपको वहाँ पर भी आंसर्स मिलेंगे। मावला क्लासेस के मावला हेल्पिंग हैंड्स से आप जुड़ सकते हैं और उनसे आप अपनी सारी क्वेरीज एम से रिलेटेड आप रख सकते हैं और उसका सलूशन भी मिलेगा। मावला क्लासेस के एक और प्लेटफॉर्म जहाँ पर मावला क्लासेस के नाम से नहीं, मेरे नाम से अमित कटियार के नाम से आप सर्च करेंगे, लर्निंग ऐप है अनअकैडमी, आपने सुना होगा, बहुत ही डिमांडिंग ऐप है। वहाँ पर आप जाके हमें फॉलो करिए और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे कोर्स को डिज़ाइन किया है और मैं पब्लिश करता जा रहा हूँ। हर एक बेसिक कोर्स को वहाँ पे दिया है। अगर आप पढ़ने की चाहत रखते हैं तो उस वाले प्लेटफॉर्म पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम आपसे अच्छे तरीके से जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए अंक में नए तरीके से फिर से हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे जुड़ पाएँ और आपको समझा पाएँ। इसी वादे और इसी प्रॉमिस के साथ हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे और आप भी आप कमिटमेंट करिए कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस इसी तरीके के क्वेश्चंस की करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्तों।